तो सुधांशु जी का पहला कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं क्या ऐसा, सुधांशु जी का पहला कमेंट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट कमेंट है जो हमने इनिशियल लेवल पे डिस्कस किया कि क्या जो स्मॉल कैप है यहाँ से लगातार ऊपर जा सकता है, क्या ये पैसे बना सकता है, क्या ये सही टाइम है इस पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा दिख रही हैं स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स की। सो क्या लगता है? तो सर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेन गिरावट है वो लार्ज कैप के अंदर है, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्ड करते हैं वो करते हैं FII। सो FII सबसे ज़्यादा मज़े उड़ा रहे हैं इस समय पे, क्योंकि वो बाजार को थोड़ा सा एक्सपेंसिव देख रहे हैं और दबा करके बेच रहे हैं, और दबा करके इस वजह से बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेज है उसके सेंटिमेंट थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। आप देखोगे इस समय पर बहुत ज़्यादा DTC के बारे में बात की जा रही है कि भाई हर साल के लेवल पर इनकम टैक्स बढ़ा दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ समझनी है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी जो एक रुख है रिटेल इन्वेस्टर को देख करके, रिटेल इन्वेस्टर की साइड, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो कहते हैं कि भाई नुकसान है तो आपका है, प्रॉफिट है तो हमारा है। और अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस समय पर उनको आप ढंग से समझने की कोशिश करोगे ना, तो भाई बहुत रूड है। और उनको एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की या अपने देशवासियों की परवाह इतनी ज़्यादा है नहीं। देखो इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है, बिकॉज वो कोई इलेक्शन जीत करके तो आते नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं उनके बोलने पे या उनके आसपास के बोलने पे ही इन सारे मिनिस्टर को एलोकेट किया जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक मेजर इम्पैक्ट अदा कर रही है लार्ज कैप को गिराने के पीछे, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर FII है। और FII का अगर सेंटिमेंट खराब हो गया ना हमारी गवर्नमेंट को लेकर, तो आप ये मानो कि भाई ऐसे गिराएंगे जैसे आप संभाल नहीं सकते। अब आते हैं वापस से आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्या स्मॉल कैप के अंदर ना पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्मॉल कैप और मिड कैप को जो मेजर लेवल पे संभाला हुआ है वो संभाला हुआ है हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने, क्योंकि DII का जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पैसा जाता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही जा रहा है। इवन को सेक्टोरल फंड्स के अंदर जैसे PSU और डिफेंस के अंदर भी काफी पैसा जा रहा है। लेकिन आपको एक और चीज ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नहीं संभाल पाएगा बाजार को, क्योंकि अगर एक सेंटिमेंट खराब होता है तो उस केस के अंदर स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया पूरा बाजार गिरता है। अब बाजार क्यों गिरता है तो आपको ये समझना है कि देखो जब FII की सेलिंग आती है लार्ज कैप में, तो हर एक इंसान, अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई बाजार कैसा है, तो निफ्टी या सेंसेक्स को उठा करके देखिएगा कि भाई आज इंडेक्स जो है वो गिरा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जो छोटे इन्वेस्टर होंगे आपके मेरे जैसे, जो लोग नए आए होंगे काफी केसेस के अंदर, वो डर जाएंगे और वो आकर के ऐसे स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देंगे जहां पे उनको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, जिन्होंने सुन करके इन्वेस्ट किया होगा। तो उस केस के अंदर वो जो सेलिंग प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके लिए पैसा भी बेस्ट तरीके से वही बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप के भरोसे आप रहोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ एक जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो, बिकॉज एक अच्छा पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जहां पे कॉम्बिनेशन लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का भी होता है। इसी के साथ साथ देखो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रैली दी है और जो बाजार है वो इस वॉल्यूम के लिए अब तैयार है। तो अगर वॉल्यूम यहां से ज्यादा नहीं बढ़ता, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है उनका इनफ्लो ज्यादा नहीं आता, तो आप ये समझो बाजार बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बाजार यहां पर कंसोलिडेशन कर सकता है। सेकेंड चीज रही बात स्मॉल कैप की, तो देखो स्मॉल कैप में मुझे आज भी लगता है पैसा बन सकता है। अगर आप 5 से 7 साल का टाइम लेकर के आते हो स्मॉल कैप में, तो पैसे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जिस समय बाजार गिरना शुरू होगा उस समय पे स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा क्रैश करेक्ट करेंगे। ये समय पे सिर्फ करेक्शन देखा है आपने, इसमें मार्केट क्रैश की तो बात तक नहीं हुई है। लेकिन जब वहां पे बाजार गिरेगा 30-40% के आसपास गिर सकता है, तो उस केस के अंदर आप कैसे बिहेव करोगे ये डिटरमाइन करेगा कि भाई आप आगे जाकर के पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे। देखो अगर आप 1 साल 1.5 साल के लिए आ रहे हो, स्पेशली 6-7 महीने की बात करें, तो स्मॉल कैप एक डिसेंट वैल्यूएशन के आसपास है। डेफिनेटली आज हाई है वैल्यूएशन, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो वैल्यूएशन, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो वैल्यूएशन का गेम है वो वैल्यूएशन के तक रहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस समय पर रिटेल इन्वेस्टर के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से इस समय पे भी स्मॉल कैप और मिड कैप बचे हुए हैं। क्योंकि अगर आप एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो फंड मैनेजर जो कि DII है वो चाह करके भी लार्ज कैप में पैसा नहीं डाल सकता, वो स्मॉल और मिड कैप में ही डालेगा, तो वहीं पे इन्वेस्टिंग आ रही है। सो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 7 साल का है तभी इन्वेस्ट करो पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 6 महीने का है तो भाई बाजार किस साइड जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर स्मॉल कैप करेक्शन में आ गए तो आप ये मानो काफी हद तक अच्छा करेक्शन होगा। मुझे लगता नहीं है कि भाई इतनी जल्दी करेक्शन आएगा, मुझे लगता है कंसोलिडेशन वाली मार्केट रहेगी। मुझे ये भी समझ आता है इस तरह कि बाजार में नेक्स्ट
नेक्स्ट 3 महीने तक बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होने वाला। अगर मैं ब्रॉड लेवल की मार्केट की बात करूँ, मिड मोटे मोटे इंडेक्स की बात करें, चाहे हम निफ्टी 50 मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें, बट सेक्टर वाइज मुझे लगता है कि बाजार अभी भी अच्छा दिख रहा है, तो आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू 5-7 साल 10 साल का है तो भाई आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट आ रहा है अतुल शर्मा जी का, ये कह रहे हैं ट्रेंड के अंदर 20% का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? सो अतुल जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने ट्रेंड क्यों खरीदा था। देखो, जो ट्रेंड की वैल्यूएशन है वो 240 के आसपास चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे जो गिरावट आई है 20% की, वो आई अभी के आसपास है, तो मुझे लगता है आपने करीबन ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा होगा। सो ये मैं सबके लिए बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदो तो भाई ऑल टाइम हाई के आसपास मत खरीदो, क्योंकि अगर एक बार सेंटिमेंट खराब हो गया तो भाई इस समय पे स्टॉक मार्केट के अंदर 20-25% की धुलाई स्टॉक लेवल पे और इंडेक्स के लेवल पे आप मान सकते हो 3-5% की धुलाई होना नॉर्मल है, और अगर आप सेक्टर के लेवल पे जाओगे तो कम से कम 10% की धुलाई होना नॉर्मल है। सो अगर आप इस समय पे ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदोगे तो इतने करेक्शन के लिए तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए बाजार के अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेंड के अंदर इन्वेस्टेड हो तो मेरे भाई आज की डेट के अंदर भी 170 का पीई है। अब आप मानो कि 170 का पीई क्या जस्टिफाई है या फिर नहीं करता है ट्रेंड के बिजनेस को? ट्रेंड का बेसिक बिजनेस क्या है? ये काफी सारे रिटेल चेन होल्ड करते हैं, जैसे वेस्ट साइड हो गया, जैसे जूडियो हो गया। अब जब इन्होंने जूडियो वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया तो यह सब पागल हो गए। अब जूडियो का क्या मतलब है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने पालिका बाजार सुना होगा। पालिका बाजार के अंदर 300 रुपए में कपड़े उछालते हैं, लोग आके खरीद के लेके जाते हैं। अमीरों का जूडियो वही है कि पहले गरीब रोड पे जाकर खरीदते थे, अब गरीब जाकर के जूडियो में खरीदते हैं। ये था जूडियो का कॉन्सेप्ट कि भाई अनऑर्गेनाइज मार्केट को उठा करके ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब जैसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया गया, हर इंसान ने जाकर के जूडियो में एक ना एक बार खरीदा है। इवन मैं भी गया था खरीदने के लिए, बट भाई मुझे कुछ खास दिखानी तो मैंने नहीं खरीदा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो बिजनेस था ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग था, जिस वजह से यहां पे इतनी तगड़ी गेन आई। अब प्रॉब्लम क्या है ट्रेंड के साथ, वो आ गई है वैल्यूएशंस, जो कि है 170 का पी। आप बोलोगे भाई एक महीने पहले तक 170 का पी जस्टिफाई था, आज बाजार गिरने लग गया तो 170 का पी जस्टिफाई नहीं है। हाँ, जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अपैरल का जो बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो एक जस्टिफिकेशन होगी 50 के पी की, 60 के पी की एक अच्छी वैल्यूएशन है, यहाँ पे आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए ट्रेंड जैसा स्टॉक। लेकिन 200 का पी, 220 का पी, यार अंधापन है ये चीज़। सेकेंड चीज, जो इनके करंट रेवेन्यूज आए हैं वो आ गए हैं नेगेटिव के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू से इस क्वार्टर के रेवेन्यू में आया है गिरावट, तो जो ये क्वार्टर का रेवेन्यू गिर गया ना, अब ये आ चुका है एक तलवार ट्रेंड के वैल्यूएशन के ऊपर। देखो, ट्रेंड को वैल्यूएशन इस वजह से मिली थी बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही थी और इस क्वार्टर के अंदर गिरावट आई है, तो भाई आप ये मानो ये वैल्यूएशन जो एक्सपेंशन मिला था ट्रेंड को, अब वैल्यूएशन कंप्रेशन होगा। सो एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ से भी करीब करीब 10-12-15% का करेक्शन बहुत आसानी से देख सकता है, और आज की डेट के अंदर भी 6% का करेक्शन हुआ है। सो मुझे लगता है यहाँ से तो आराम से ये ट्रेंड जो है नीचे जाएगा, करेक्शन होते हुए दिखेगा। अब आप कह रहे हो 20% का नुकसान हुआ है, क्या करना है? देखो, अगर आप यहाँ से भी वेट कर सकते हो करीब करीब 6 महीने साल 2 साल 5 साल, तो भाई देखो ट्रेंड है एक डिसेंट रिटर्न आपके लिए बना देगा। लेकिन जो मैंने रिसेंटली सीखा है कि अगर एक बार करेक्शन आना शुरू हो जाता है बिजनेस के अंदर, मतलब गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तो भाई वो जल्दी से रिकवर नहीं करती। मुझे लगता है अब जो ट्रेंड है, ये जो गिरावट में आया है, ये आपको शायद एक आधी बार निकलने का ऑप्शन दे, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे ग्रोथ अभी गई है, और जब ग्रोथ जाती है, जो पी एक्सपेंशन हुआ था वो पी कंप्रेशन में मूव हो जाएगा, और अभी अब आपको यहाँ पे ये फंसाएगा। सो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लंबा नहीं है तो भाई एग्जिट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लंबा है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है शॉर्ट टर्म में किसी भी साइड जाती है, बट मुझे एक्चुअली में नहीं लगता कि ट्रेंड के अंदर आप बहुत कुछ बड़ा कर पाओगे, क्योंकि अभी करेक्शन फेज में है और कोई भी सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट इस समय पर ट्रेंड में नहीं दिखता, क्योंकि ट्रेंड वन साइडेड ऊपर गया है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सर विनोम का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि मैंने कल आपकी वीडियो मिस कर दी थी, तो क्या मुझे आज इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू मिला वहाँ से, क्या वो आज भी रिलेटिव है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। देखो, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस वीडियो में, ठीक है, चाहे आप बैंकिंग और आईटी दोनों की बात कर लो।
मेरे भाई बैंकिंग के अंदर तो अपॉर्चुनिटी हमेशा है इस समय पे, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में अभी स्ट्रगल फेस चल रहा है और 6-7 महीने मुझे लगता है यहाँ पे SIP और लमसम और व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो ये सब आप कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रोथ ही मिलने वाली है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं 6-7 महीने नहीं रुक सकता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मेरे सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप डेफिनेटली देख सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है और यहाँ पे ग्रोथ ही आनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मरने के चांसेस तो बहुत ज्यादा गिरावट दिखती नहीं बैंकिंग और IT के अंदर। सर अभेद का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया कमेंट है, ये कह रहे हैं क्या म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स लगता है? सर आप ये समझो इंडिया के अंदर अगर आप 3 से 7 ले लोगे ना तो 2% टैक्स ज़्यादा लगेगा आपको आपके ऊपर। तो अगर आप ये सोचो कि भाई म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है या नहीं है, भाई हर एक म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है, आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो आप टैक्स सेविंग करते हो उस टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पैसा देना पड़ता है जब म्यूचुअल फंड के अंदर मेच्योरिटी आती है। तो सो इंडिया के अंदर अगर आप सांस भी तेजी से ले लो ना तो भी उस पर टैक्स लगा देंगे हमारी निर्मला सीतारमन जी, और ये वीडियो देख ली ना तो वीडियो देखने का भी टैक्स लगा देंगी आपके ऊपर। तो मेरे भाई इंडिया में हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है और ये टैक्स बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। सो आप ये समझो कि इंडिया से जितना पैसा कमा सकते हो शॉर्ट टाइम में कमा लो। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं लंबा गेम खेलूंगा कि मैं यहाँ से 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम लेता हूँ, चलो 10 साल तक तो मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को 10 साल लगेगा, लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो इंडिया के ऊपर, तो आप ये मानो जो हमारी गवर्नमेंट है इस समय पर ना वो घोट करके मार देगी हमारे ये जो ग्रोथ एसेट है इसको, क्योंकि भाई इतना टैक्स लगा दोगी तो एक नॉर्मल इंसान पैसे कैसे कमाएगा। तो देखो भाई चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक ले लो, चाहे आप FD करा लो एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो भी आप पे टैक्स लगता है। तो भाई हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा और टैक्स से आप नहीं बच सकते। सो टैक्स हार्वेस्टिंग सीखो कि भाई टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो देखो भाई इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। इसके बीच के अंदर जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं, जो भी चीज़ें आपने बेची हैं, उसका एंड में जाकर के कैलकुलेशन होता है। अगर एक चीज़ को आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है और उसको बेच दिया है तो उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट देखेगा जो कि होता है 1,25,000 रुपए के आसपास। वहीं पे अगर आपने 1 साल के अंदर खरीद बेच कर दी है और आपको लॉस हुआ है तो भाई वो लॉस है आपका, घर लेकर के जाओ, रो पीटो कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ अगर आपने थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया तो भाई उसको भी आपको 12.5% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर मुझे एक्चुअली समय पर याद नहीं आ रहा है। तो ये चीज आप भूल जाओ कि आप इंडिया में पैसा बना पाओगे आने वाले टाइम पे, और मुश्किल ही होने वाला है। तो जितनी जल्दी है उतनी जल्दी बनाओ, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो चाहे कहीं और, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये कुछ क्वेश्चन था जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।